आप चाय बेचने वाले लोग बैठे थे देश को चलाने के लिए ना, चौकीदार बने थे देश को चलाने के लिए ना, ऐसा चौकीदार भंगी का बेटा हो या महारानी हो सबका अधिकार है, तो चाय बेचने वाला काहे नहीं बन सकता। अरे भैया चाय बेचने वाले चौकीदार बन के आए थे तो ऐसा चौकीदार लोग थोड़े जानता था कि ऐसा चौकीदार होंगे जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, देश का जो है पूरा व्हाइट मनी, गरीब गुरबा कमर तोड़ जो टैक्स देते हैं गरीब गुरबा का सारा चीज लेके भाग जाएगा, तो ऐसा चौकीदार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी का बात सुना जाता है, किसी को तरजीह दिया जाता है? चेहरा के लिए आप अगर कहिएगा तो नरेंद्र मोदी को पहले जानते थे आप लोग, चेहरा बना हुआ था चुनाव से पहले। वक्त सब कुछ बना देता है। हमारे देश में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब बनाए तो वो सपना, ये सपना थोड़े देखे थे कि एक देश में दो, वो तो कहे थे कि राजा हो या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान। तारी पार से भी भ्रष्टाचारी कोई है जो गृह मंत्री बने हुए हैं अपने बेटा को किस तरह से, अरे क्लीन चिट मिल जाए ना उनको, तो वो तो वॉशिंग मशीन है उसमें तो जो उसके साथ जाता है सबको क्लीन चिट मिल जाता। अब मुद्दे पर लड़ाई होगी, इन लोग के तरह जो है गाय गंगा और दंगा और जुमलेबाजी जो ये करते थे, जो भी इस देश के सजग नागरिक हैं जहां संविधान पर खतरा हो कि अब दोबारा ये आएंगे तो पता नहीं वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। कल का दिन बिहार और पूरे देश के लिए बहुत खास होने वाला है। बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है, लगभग 18 पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि आज सुबह से ही सिलसिला जारी हो चुका है, महबूबा मुफ्ती बिहार पहुंच चुकी है, लेकिन मायावती का ट्वीट आया है, उन्होंने लगातार 3-4 ट्वीट किए और विपक्षी एकता पर जो बैठक हो रही है इस पर उन्होंने कहा कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है उसको ढंग से लागू करा सके। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ राजद की महिला प्रवक्ता है उर्मिला ठाकुर जी। क्या लग रहा है कि आप लोग जो बैठक कर रही हैं इसमें सफलता मिलेगा और कितना सीट का टारगेट लेके आप लोग चल रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे पाटलिपुत्रा की धरती पर आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का जो एक बैठक होने जा रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को कि पाटलिपुत्रा की धरती से ही बिगुल फूका जाएगा आतताई सरकार के खिलाफ। तो ये जो बैठक है वो सीट को लेके नहीं है, ये बैठक जो हमारी हो रही है, जो अभी देश का हालात है, देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है, विपक्ष को कहीं पर भी देखना पसंद नहीं कर रहा था तई सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो उन्होंने 2014 में जो वादा किए थे जनता से, बिहार के लोगों से या अदर जितने भी हमारे देश के अंदर जो भी स्टेट है सभी स्टेट के युवाओं से कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपया काला धन लाएंगे और 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते पे चला जाएगा, किसान का लागत मूल्य का 1.5-2 गुना हम देने का काम करेंगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पूरा सपना दिखाए थे 56 इंच का छाती। डिजिटल इंडिया तो हो रहा है लगता है। नहीं हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? अगर आप यही कर रहे हैं तो आप तय कर दीजिए ना कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो ठेला रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो घर में झाड़ू पोछा का काम दाई कर रही है, उसके बेटा का एडमिशन डॉन बॉस्को में होगा? आप तय कर दीजिए कि उसका बेटा बेटी सेंट माइकल में पढ़ेगी पढ़ेगा, परसेंटेज तय कर दीजिए, लोयला में पढ़ेगा, सेंट जीवियर में पढ़ेगा, सेंट कैरेंस में पढ़ेगा, तो ये तो ये नहीं क्यों व्यवस्था करे सरकार, क्यों कुछ खर्च, ये तो गलत बात है ना। हमारे देश में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब बनाए तो वो सपना, ये सपना थोड़े देखे थे कि एक देश में दो, वो तो कहे थे कि राजा हो या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान, वैसा कल्पना इस जो ये लागू कर रहे हैं या ये जो चल रहे हैं उस भारत की कल्पना बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो थोड़ी कल्पना किए थे। तो ये जो सरकार है उस सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लागू है और लोग त्राही माम हो रहा है कमर तोड़ महंगाई से, किसान को ना बीज की व्यवस्था है ना मार्केट की व्यवस्था है, तो उसके लिए पूरे देश का विपक्ष उसी मुद्दा को लेके विपक्ष जो है एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट हो रहे हैं 2014 में आए थे वो 24 में दोबारा नहीं आवे, इसके लिए तो आप लोग 100 बार बोल चुके हैं। बताइए कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, कौन बनेगा जो अगुवाई करेगा,
कौन किसको आप लोग चेहरा बना रही है तो अभी आप लोग नहीं 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 देखिए चेहरा के लिए आप अगर कहिएगा तो नरेंद्र मोदी को पहले जानते थे आप लोग, चेहरा बना हुआ था चुनाव से पहले। नहीं चुनाव हो रहा है, चुनाव उनके चेहरे पे अब हो रहा है ना, तो उसी तरह से हो जाएगा ना। ऐसे कदम ना आप देखिए, जब इंद्र कुमार गुजराल जी बने थे तो उस समय चेहरा थे क्या? जब HD देवगौड़ा बने थे तो चेहरा थे क्या? जब वक्त सब कुछ बना देता है। आज हमारे विपक्षी एकता का बैठक है कल, और आज सारे लोग जुट रहे हैं, तो आप देखिएगा कि फिर चेहरा आ जाएगा आप लोग को देखने के लिए, चेहरा भी सामने आ जाएंगे। पहले हमारा जो वैचारिक मुद्दा, जिस मुद्दे पर अब मुद्दे पर लड़ाई होगी, इन लोग के तरह जो है गाय गंगा और दंगा और जुमलेबाजी जो ये करते थे उस वो उनको तो कोई मुद्दा पर तो बात करती नहीं है। गाय गंगा आस्था की चीज़ें, उस पर क्यों नहीं चुनाव होना चाहिए? क्यों हुआ? नहीं नहीं जीते लोग, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि अब बहुत देर तक आप गलफत में नहीं रख सकते हैं ना जनता को। जनता को बहुत देर तक आप गुमराह नहीं कर सकते, जनता इनके सारे जो करतूत को समझ चुकी है और जो चेहरा बदल के बार बार आते हैं वो सारे बात को समझ गई है। इसलिए हमारी जो विपक्ष के सारे लोग का बैठक हो रही है वो एक अंजाम मंजिल तक जाने का रास्ता तय होगी कि किस तरह से जो है सारे एकताबद्ध होकर के सारे देश के जो विपक्षी एकता है। बहन जी ने ट्वीट करके कहा है कि इन लोगों का दिल नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती लोग हाथ मिलाने की दिखावा कर रहे हैं। देखिए बहन जी, देश स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, बहन जी स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, तो वो जो बोल रही हैं उनका जवाब देने के लिए जो है हम लोग नहीं ना हैं। कौन देगा जवाब? उनका जवाब से देखिए कौन देगा जवाब, नहीं स्वतंत्र है, अपना अपना विचार लोग रख सकते हैं, वो अपना विचार रख रही हैं। तो कह रही हैं कि जिस तरीके से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तुष्टिकरण है, हिंसा भड़क रही है, ना तो कांग्रेस इसको रोक पा रही है ना बीजेपी रोक पा रही है, दोनों नाकाम है। तो कांग्रेस के आप लोग दामन थाम के समय सोच रहे हैं आगे बढ़ेंगे मोदी को रोकने? ये दामन थाम के नहीं, सभी का फर्ज बनता है। देश का जो आप स्थिति है, इस स्थिति में हर पार्टी के लोगों का, जो भी इस देश के सजग नागरिक हैं, जहाँ संविधान पर खतरा हो कि अब दोबारा ये आएंगे तो पता नहीं वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिए कि रानी का वोट और मेहतरानी का वोट दोनों बराबर होगा, तो उसको जब ये ख़त्म करने की स्थिति में आ गए हैं कि दोबारा जब ये आएंगे, ख़त्म कर रहे हैं जो देश में सत्ता जिनकी है। अभी भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव को जो है जब ये दोबारा आ जाएंगे तो शायद चुनाव ही नहीं हो, तो इस चीज़ को जो है बर्दाश्त थोड़े कोई लोग करेगा। देश के अंदर जो भी सजग नागरिक हैं वो चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि देश के में राष्ट्र की रक्षा के लिए बीजेपी को लोगों ने लाया था, आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्र सुरक्षित हो रहा है? पुल इनके हाथ में अगर सुरक्षित रहता तो पुलवामा जैसा जो है घटना होती, हमारे इतने जो है जवान शहीद होते बिना मतलब को शहीद होते? आप देखिए ना सतपाल मल्लिक का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पता चल मल्लिक को आप लोग जितना ईमानदार समझ रहे हैं, अगर इतने ईमानदार थे तो कुर्सी के लालच में उस समय क्यों चुप थे? वो लालची लोग हैं, उनका बात देखिए देखिए लालची लोग हैं या क्या लोग हैं वो हम नहीं कह सकते हैं। एक बात बताइए, अगर उर्मिला जी अभी राजद की प्रवक्ता हैं, राजद अगर आप पिछड़े वर्ग से आती हैं, ठाकुर समाज से हैं, अगर ठाकुर समाज के खिलाफ कोई साजिश करते हैं राजद, तो आप चुप रहिए गद्दा के अपने सीट बचाने के लिए, तो आप ईमानदार हो गए बाद में बता करके, जब सीट चला जाए तब बताइए कि इस राजद ने साजिश कर सकता है? नहीं, बेईमान है ना अपने समाज के प्रति, ईमानदार रहते तो उसी समय बोलते हैं। नहीं बोलने कहाँ, उनको मांग किया गया था कि फ्लाइट से भेजा जाए, तो ये सुनते कहाँ हैं? ये नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी का बात सुना जाता है? किसी को तरजीह दिया जाता है? जो लोग जाते हैं सतपाल मलिक बोले तो कहाँ उनके साथ कुछ हो गया, कहाँ उनको काला पानी की सजा? एक दो लोग ही मिल करके पूरा बीजेपी को चला रहे हैं, फरमान जारी कर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरा देश को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। नहीं नहीं तो आप चाय बेचने वाले लोग बैठे थे देश को चलाने के लिए ना, चौकीदार बने थे देश को चलाने के लिए ना, ऐसा चौकीदार भंगी का बेटा हो या महारानी हो सबका अधिकार है, तो चाय बेचने वाला कहीं नहीं बन सकता? अरे भैया चाय बेचने वाले चौकीदार बन के आए थे, तो ऐसा चौकीदार लोग थोड़े जानता था कि ऐसा चौकीदार होंगे जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, देश का जो है पूरा व्हाइट मनी, गरीब गुरुआ कमर तोड़ जो टैक्स देते हैं गरीब गुरुआ का सारा चीज लेके भाग जाएगा, तो ऐसा चौकीदार, ऐसा चौकीदार तो सबको मोदी जी किए हैं।
मोदी जी अडानी और अंबानी को करोड़ों करोड़ रुपया का कर्ज माफ़ कर रहे हैं, गरीब गुरबा लोग का चौके ठोर के बारी छुराते हैं जब किसान तनी गुल्ली कर्जा लेने के लिए जाता है। तो वहाँ पे जो है दो रंगी नीति सब इनका चेहरा जो है सो समझ गया है, इसलिए ज़्यादा देर तक किसी को ठग नहीं सकते हैं। अब उनकी चेहरा में, नरेंद्र मोदी के चेहरा में वो चमक नहीं रह गया है कि भाइयों एवं बहनों करके जुमलेबाजी करके सत्ता में आ जाएंगे। विपक्ष यहाँ कमर कस के तैयार है इनको सत्ता से उतारने के लिए। बीजेपी करेगी, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन दागी हैं, सब एकजुट आ गए, एक मंच पर आ गए हैं। मोदी जी का तारी पार से भी भ्रष्टाचारी कोई है जो गृह मंत्री बने हुए हैं? अपने बेटा को किस तरह से क्लीन चिट मिल जाना उनको, तो वो तो वॉशिंग मशीन है, उसमें तो जो उसके साथ जाता है सबको क्लीन चिट मिल जाता। अरे भैया, कोर्ट हो या कोई हो, जो अयोध्या के माने जो उसके पक्ष में जो जजमेंट सुना देता है तो कैसे राज्यसभा मेंबर हो जाता है? तो इस तरह का वो तो नरेंद्र मोदी जी का ये जलवा चल रहा है कि जितना भी एजेंसी है, जितना भी देश का है, सब जो उनके साथ जाएगा वो सब धूल के साफ हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो उनके साथ नहीं है वो सब बेईमान है। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थी, इनसे बातचीत हुई है। बाकी इनके बातचीत और आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।